सहरसा जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र में घास काटने गई मुकबधिर युवती के साथ गांव के ही कुछ लोगों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटने के बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मनचले युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया। समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना क्षेत्र में उपद्रवियों ने दुकान में जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने पहले दुकान में तोड़फोड़ की और फिर बाद में दुकान में रखे लगभग 1 लाख रुपए के सामान लूट लिए। इतना ही नहीं, विरोध करने पर दुकानदार को जान से मारने की धमकी भी दी। बदमाशों की सारी करतूत सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। इस मामले में पीड़ित ने थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ने बताया कि वे अपनी दुकान पर बैठे हुए थे, उसी दौरान लगभग 25 की संख्या में लोग दुकान में घुस गए और गाली गलौज करने लगे। और बगल में एजुकेशन कोचिंग चल रहा है, जो बराबर झंझट होता है वहाँ पे लड़का लड़की के, कोई किसी भी कारण से बराबर होती ही रहता है। हम लोग ऐसे अंठिया दे के चलो भाई, अपने आपस में है, अपना सुलझा लिया जाएगा। लेकिन देखे जब लाठी डंडा शुरू हो गया आपस में, लड़का लोग दोनों ही दोनों तरफ से हो रहा था, जो भी हो है ना, हम नहीं जानते कौन किससे लड़ाई हो रहा था। हम गए छुड़ाने के लिए, उद्देश्य हम गए छुड़ाने के लिए, लाठी डंडा सब। गुमला में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। झारखंड जगुआर बम निरोधक दस्ता ने कुरुमगढ़ थाना से कुछ ही दूर पर IED बम बरामद कर उसे नष्ट कर दिया। आपको बता दें कि हाल ही में IED बम की चपेट में जवान और कई ग्रामीण भी आ चुके हैं। फिलहाल स्थानीय पुलिस और CRPF संयुक्त रूप से नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान चला रही है। गोपालगंज में मजदूर की पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो के बारे में दावा किया जा रहा है कि गोपालगंज की एक चीनी मिल में एक मजदूर की पिटाई की जा रही है। इस मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद काली प्रसाद पांडे ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। उनके मुताबिक हरलुखा स्थित विष्णु शुगर मिल की ये घटना है। उन्होंने अधिकारियों से इस मामले की जांच करने की मांग की है। बेतिया जिले के साठी थाना क्षेत्र में वार्ड सदस्य मोती दास ने एक 45 वर्षीय व्यक्ति की जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित व्यक्ति केदार राउत ने बताया कि सेविका सहायिका बहाली को लेकर आम सभा चल रही थी। इसी दौरान सेविका के पति गलत तरीके से मैपिंग करा बहाली करवाना चाहते थे, जिसका विरोध करने पर वार्ड सदस्य ने उनकी पिटाई कर दी। आपको बता दें कि इस घटना के दौरान पुलिस भी तमाशबीन नजर आई। बहाली बोलो तो हम तो हरवाही करें, हमारे भाई जो मार लो हूँ देखे जात रहो हूँ तो मूती पकड़ ले लो हूँ, पसरा मिल जाकर मार दे लो हूँ, कपार फाड़ गए हम आवता नहीं हरवाही में से तो सूतर बलम दुआर। पुलिस वहाँ नहीं थी, पुलिस से रहो हूँ कि ना रहो हूँ कुछ नहीं की जाना स्कूल में वार्ड 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 दुआर बन कर लो मुजफ्फरपुर के चांदनी चौक के पास बाइक सवार अपराधियों ने 24 वर्षीय बैंक कर्मी विवेक कुमार को गोली मार दी, जिसके बाद घायल को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित बैंक से लौट रहे थे, इसी दौरान अज्ञात अपराधियों ने उन पर फायरिंग कर दी। घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। कि चांदनी चौक पुल के ऊपर एक व्यक्ति थे जो एक मोटरसाइकिल पर सवार थे और उनके साथ एक और व्यक्ति मोटरसाइकिल पर था, तो उनको गोली मारा गया है और वो अभी माँ जानकी में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है और घटना की आगे की जानकारी ली जा रही है, CCTV फुटेज वगैरह देखा जा रहा है। और उम्मीद सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल रात के समय NH 107 पर रानीहाट के नजदीक एक गाड़ी निर्माणाधीन पुल के गड्ढे में जा गिरी। गाड़ी में एक ही परिवार से 8 से 10 लोग सवार थे। घटना के बाद पूरी रात गाड़ी गड्ढे में ही फंसी रही। गनीमत यह रही कि गाड़ी में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। रानीबाग के नहर NH 107 पे ये काम पुल का निर्माण चल रहा है
दुर्भाग्य है कि यहाँ जो प्रशासन आती जाती रहती है उनके ऊपर उनका नज़र नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये बैरिकेडिंग होना बहुत ज़रूरी था। अगर ये बैरिकेडिंग नहीं होगा तो आए दिन जिस तरह से ये स्कॉर्पियो आपके सामने में ये फंसी हुई है, इसी तरह से कई। धनबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां ACB की टीम ने अंचल विभाग के रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर मुनींद्र झा को 10,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर जमीन म्यूटेशन के लिए 30,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। यही नहीं, साल 2016 में भी मुनींद्र झा को 5,000 रुपए घूस मांगते गिरफ्तार किया गया था। घटना के संबंध में शिकायतकर्ता रोशन लाल अग्रवाल ने बताया कि अंचल कार्यालय में पदस्थापित मुनींद्र झा उनसे एक जमीन के म्यूटेशन के एवज में 30,000 की रिश्वत मांग रहे थे। इसकी सूचना उन्होंने ACB कार्यालय में दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए टीम ने आरोपी को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जमीन का म्यूटेशन के लिए 48,000 रुपये मांगा। कौन मांगा? कर्मचारी मुनींद्र झा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद यहीं ACB में संपर्क किए तो यहाँ DSP साहब का ट्रांसफ़र हो गया, जो DSP साहब पहले थे, तो वो बोले कि नया DSP साहब आएंगे तब होगा, तो फिर नया नालंदा में कोचिंग संचालक के साथ हुई मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठने लगी है। गुरुवार को शिक्षक संघ विरोध मार्च निकालते हुए थाना में पहुंचे, जहां संघ के सदस्यों ने थाना अध्यक्ष से मुलाकात कर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। संघ ने कहा कि अगर 24 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो शहर के सभी कोचिंग संस्थान 3 दिनों तक के लिए बंद रहेंगे। बता दें कि जिले के लहेरी थाना क्षेत्र स्थित मछली मंडी के समीप बदमाशों ने एक कोचिंग सेंटर के बाहर जमकर उत्पात मचाया था। बदमाशों ने पहले सेंटर पर पथराव किया और फिर बाद में फायरिंग भी की थी। इस घटना में कोचिंग संचालक समेत 2 लोग जख्मी हो गए थे। हमारे शिक्षक साथी और मैनेजमेंट के साथी पर कातिलाना हमला हुआ है और अपराधियों ने हमला किया है, और वो जीवन मरण से जीवन ज्योति अस्पताल में ICU में भर्ती हैं। जो वीडियो वायरल हो चुका है, वो जीवन से जूझ रहे हैं, मौत से जूझ रहे हैं, और फिर भी प्रशासन सोया हुआ है। कल थाना प्रभारी से बात हुई, उन्होंने कहा हम गिरफ्तारी किए हैं, लेकिन हमारे धनबाद में अतिक्रमण हटाने गई जिला और पुलिस प्रशासन की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल घाटा के सुगियाडी में सरकारी जमीन को मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने पहले ही ऐलान कर दिया था, लेकिन अतिक्रमणकारी वहां से निकलने को तैयार नहीं थे। जब प्रशासन ने अवैध निर्माण तोड़ना शुरू किया तो लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि मौके पर मौजूद ADM और पुलिस अधिकारियों को पीछे हटना पड़ा। इस पथराव में कुछ पुलिस कर्मियों को भी चोटें आईं। इसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी भी घायल हो गए। बाद में पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर अतिक्रमण मुक्त कराया गया, लेकिन यहां सवाल सिर्फ सरकारी जमीन पर कब्जे का नहीं, बल्कि यह जिला के निबंधन विभाग में भ्रष्टाचार की पोल भी खोल रहा है। सवाल यह है कि इतनी बड़ी जमीन की जाली दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्री कैसे हो गई, किस तरह से जमीन की बंदोबस्ती और रसीद काटा जा रहा था। ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब जिला प्रशासन को भी देने की जरूरत है। नालंदा में बीते 7 मार्च को दीपनगर थाना इलाके के कुंडलपुर में हुए सिलाव नगर पंचायत के वार्ड पार्षद के पति चितरंजन सिंह की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल होने के आरोप में विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी रहे भोसू भाई यादव समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भोसू के ऊपर पहले से ही डकैती समेत कई मामलों के दर्जनों मामले दर्ज हैं। नालंदा के SP ने इस घटना की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों से मृतक का जमीनी विवाद चल रहा था। बीते 7 मार्च को एक युवती के कहने पर मृतक बिहार शरीफ आया था। बिहार शरीफ से घर लौटने के दौरान पूर्व से घात लगाए अपराधियों ने हत्याकांड को अंजाम दिया। 7 तारीख को दीपनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चित्रंजन नाम के एक व्यक्ति का
हत्या कर दी गई। उसमें जो है अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया है। ये बहुत चुनौतीपूर्ण केस था। एसडीपीओ को नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जिसमें एसएचओ बिहार और एसएचओ कटिहार मंडल कारा में बंद एक कैदी हनीफ की संदेहास्पद मौत को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। दरअसल अपनी बहू की हत्या के आरोप में हनीफ जेल में बंद था। जेल प्रशासन के मुताबिक हनीफ की मौत बीमारी की वजह से हुई है। वहीं पुलिस जब शव लेकर सदर अस्पताल पहुंची तो यहां पर हनीफ के परिजन आपस में ही भिड़ गए। मृतक के परिजनों का कहना है कि उन्हें किसी तरह की बीमारी नहीं थी। मामले में पुलिस अधिकारी ने कहा कि न्यायिक हिरासत में मौत होने के कारण मजिस्ट्रेट की निगरानी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा, तब जाकर सच्चाई का पता चल पाएगा। विगत आज से 3 माह पहले जो है गिरफ्तार करके जेल में भेजा गया था और यह वर्तमान में जुडिशियल कस्टडी में थे और इनको जेल के अंदर में ही इनकी मृत्यु हुई है। मृत्यु किस कारण से हुई है, तो चूंकि जुडिशियल कस्टडी में थे, मानवाधिकार आयोग के प्लस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार उनका जो गाइडलाइन है उसके तहत कार्रवाई।